रविवार को उदयपुर में शाही शादी करने के बाद से फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग से निकल करके दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनका ससुराल है। दिल्ली के पंडरा पार्क में स्थित चड्डा निवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये राघव चड्डा का आधिकारिक बंगला है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या परिणीति चोपड़ा अब मुंबई छोड़ करके दिल्ली रहने जाएंगी। बीते कुछ वर्षों में परिणीति को फिल्मों में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी, जबकि राघव चड्डा की राजनीति व्यवस्थाएं काफी अच्छी चल रही थी, दिल्ली में भी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में परिणीति किस तरह से अपने करियर और निजी जीवन में संतुलन बैठाएंगी? मीडिया में आ रही खबरों की माने तो परिणीति फिलहाल राजनेता राघव चड्डा के दिल्ली वाले बंगले में ही रहेंगे। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में परिणीति और राघव चड्डा शादी के दो रिसेप्शन की तैयारियां कर रहे हैं, एक दिल्ली में और दूसरा मुंबई में। दिल्ली वाला कार्यक्रम राघव के राजनीतिक मेहमानों के लिए होगा, जबकि मुंबई वाला रिसेप्शन परिणीति चोपड़ा के करीबी दोस्तों और फिल्म जगत के लोगों के लिए रहेगा। अगर तारीखों की बात कर ले तो वो अभी तक सामने नहीं आई है, मगर संभावना यही है कि ये दोनों अक्टूबर में हो सकते हैं। अक्टूबर में परिणीति की फिल्म भी रिलीज होने को तैयार है। मिशन रानीगंज शादी के बाद परिणीति चोपड़ा की रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। इसी के साथ ही फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में है, परिणीति उनकी पत्नी का रोल निभा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पे परिणीति और राघव चड्डा की शादी सुर्खियों में बन गई है। शादी के फोटोज और वीडियोज लगातार देखे जा रहे हैं। इसी बीच शादी के कुछ अन्य फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें शाही अंदाज में हुई इस शादी में पहुंची राजनीति और अन्य सेलिब्रिटी मेहमानों को देखा जा सकता है।